दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट कैमरा फोन्स के बारे में अंडर 20,000 जिनके अंदर बेस्ट कैमरा दिया गया है। हालांकि दोस्तों इस सेगमेंट में बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, बट उतना ही हार्ड होता है उनमें से एक बेस्ट कैमरा फोन को चॉइस करना। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने आपके लिए 3 स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जिनके अंदर बेस्ट कैमरा दिया गया है। तो गाइस अगर आपका बजट 15 से 20,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में है और आपको चाहिए एक कैमरा फोन, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। बट गाइस यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आता है मेरी लिस्ट में रियलमी की तरफ से, Realme 9 Pro 5G। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB प्लस 128GB के साथ आता है और इसमें रियर साइड में ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 64 मेगापिक्सल का, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। यहाँ से दोस्तों 4K 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हो और साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचोल सेल्फी दी गई है, जहाँ से आप 1080 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसका कैमरा अच्छा दिया गया है इस सेगमेंट के हिसाब से, डे लाइट, लाइट मोड और नाइट मोड में ये काफ़ी अच्छी फोटोज सेल्फीज निकाल के देता है। पोर्ट्रेट शॉट और माइक्रो शॉट भी अच्छे खासे निकाल पाओगे, डिटेल्स को काफ़ी अच्छा ये मेंटेन करता है। तो ओवरऑल दोस्तों आपको ये बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस फील कराने वाला है। अगर दोस्तों बाकी के फीचर्स की बात करूं तो इस फोन में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है पंचोल के साथ, 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बैक साइड में प्लास्टिक का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। दोस्तों इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G चिपसेट दिया गया है जो कि ओनली 6nm पर बेस्ड है और इस प्राइस पर दोस्तों ये आपको एकदम तगड़ी गेमिंग भी कराने वाला है। इसमें दोस्तों LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का जैक भी दिया गया है। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 17,999। 18,000 रुपये में आप इसके बेस ब्रांड को डेफिनेटली कंसीडर कर पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 10 Pro Max। एक्चुअल में दोस्तों इस फोन का सक्सेसर आ चुका है Redmi Note 11 Pro Plus, बट दोस्तों रियलिटी में देखा जाए तो कुछ खास अपग्रेड नहीं किया गया है कैमरा के अनुसार। मतलब दोस्तों आज के टाइम में इस फोन का जो कैमरा है वो 11 Pro Plus को भी बीट कर देता है। 11 Pro Plus स्मार्टफोन का कैमरा उतना खास नहीं है, बट इस फोन का जो कैमरा है 10 Pro Max का, ये दोस्तों जबरदस्त है। आज के टाइम में भी दोस्तों आज के ट्रेंड को भी फॉलो करता है। इस प्राइस पर इसका जो कैमरा है वो एकदम किलर है। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB प्लस 128GB के साथ आता है और इसमें रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी लेंस है 108 मेगापिक्सल का, वो भी सैमसंग HM2 लेंस के साथ। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस मिल जाता है। रियर से आप 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग पंचोल सेल्फी दी गई है और यहाँ से आप 1080 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों ये नाइट के अंदर और सनलाइट कंडीशन में बेस्ट परफॉर्म करता है, साथ ही साथ इससे आप एकदम बेस्ट माइक्रो शॉट भी ले सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी सारे Redmi के कैमरा फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक क्लोन वीडियो जहाँ से आप एक मूवमेंट से कई मूवमेंट को क्लिक कर सकते हो एक साथ। साथ ही साथ डुअल व्यू का फीचर मिलता है, बैक और फ्रंट दोनों कैमरा को एक साथ ओपन करके वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल दोस्तों इस फोन का जो कैमरा है वो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस फील कराने वाला है, नो डाउट। बाकी के फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इस फोन के अंदर बैक साइड में ग्लास मिलता है विद कॉइनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है।
इसके अलावा दोस्तों इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G मिलता है, 4G चिपसेट है, डिसेंट गेमिंग आप यहां से कर पाओगे। इसमें दोस्तों 5020mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का जैक भी दिया गया है। ये स्मार्टफोन दोस्तों 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 19,999। 20,000 रुपये में आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं इस फोन के कैमरा की जो क्वालिटी है वो जबरदस्त है। मतलब दोस्तों ये 20,000 से ऊपर के स्मार्टफोन को भी बीट कर सकता है कैमरा के मामले में। तो ओवरऑल दोस्तों आपको इसका कैमरा निराश नहीं करेगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों 4GB प्लस 128GB के साथ आता है। इसमें रियर साइड में ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस है 50MP का, नंबर कम है बट कैमरा की जो क्वालिटी है वो कमाल की है। साथ में 8MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 2MP का माइक्रो लेंस दिया गया है। इसमें 8MP की फ्रंट फेसिंग ड्रॉप नॉच सेल्फी दी गई है। अगेन बोलूंगा कैमरा नंबर कम है बट सेल्फीज और फोटोज की जो क्वालिटी है वो जबरदस्त है। दोस्तों इससे आप डे लाइट सनलाइट कंडीशन में तो अच्छे सेल्फीज और फोटोज निकाल पाओगे, साथ ही साथ नाइट मोड में दोस्तों ये कमाल का परफॉर्म करता है, वहां पर भी आप काफी बेस्ट सेल्फीज और फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कैमरा एक्सपीरियंस बेस्ट मिलेगा। बाकी के फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले मिलता है ड्रॉप नॉच के साथ। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें साइड में फिंगरप्रिंट मिलता है। अच्छी बात है कि आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इस फोन में दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G 5G चिपसेट मिलता है जो कि 8nm पर बेस्ड है और इस प्राइस पर आप गेमिंग एकदम तगड़ी कर पाओगे। साथ ही साथ 12 5G बैंड्स का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो मे बी फ्यूचर में आपको 5G के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, SD कार्ड को भी एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 25W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, बट चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा, वो अलग से परचेज करना पड़ेगा। बाकी इसमें टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का जैक भी मिल जाता है। यह स्मार्टफोन दोस्तों 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 17,500, बट दोस्तों सेल के अंदर आप इसको ओनली 16,000 रुपये में बाय कर सकते हो। तो गाइस यही थे जो कि अंडर 20,000 में बेस्ट कैमरा को लेकर आते हैं। आई होप दोस्तों कि आपने डिसाइड कर लिया होगा अपनी रिक्वायरमेंट के थ्रू कौन सा इनमें से आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।